काबुल एयरपोर्ट के पास एक बार फिर बड़ा धमाका हुआ है। पिछले अटैक में भी काबुल एयरपोर्ट के गेट के बाहर धमाका हुआ था। इस बार ख्वाजा बोगरा इलाका है जहां पर धुआं उठता हुआ देखा गया है। धमाका काबुल एयरपोर्ट के पास हुआ है। काबुल एयरपोर्ट वो जगह है जहां पर ना केवल अफगानी नागरिक बड़ी संख्या में है बल्कि विदेशी नागरिक बड़ी संख्या में, अमेरिका की फौज यहां पर है। पिछली बार जब हमला हुआ कई अमेरिकी सैनिक इसमें मारे गए थे। एक बार फिर से यह धमाका हुआ है। रुबिंदर सचदेव, फिर सवाल यही है कि क्या तालिबान सुरक्षा की गारंटी दे सकता है? जिन्हें सिर्फ मारने की ट्रेनिंग दी गई है, जिन्हें सुरक्षा में सेंध लगाना आता है, वो क्या किसी की जान बचाने की, सुरक्षा देने की वो गारंटी ले सकता है? वो ये गारंटी ले सकता है कि और धमाके नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल सही। वो खुद भी इसी, उसका खुद यूरो कैरेक्टर और बिहेवियर ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, वो चाह करके भी, अफगानिस्तान भी इतना बड़ा देश है और अलग अलग किस्म के प्लेयर्स हैं, अलग अलग ट्राइब्स हैं, कबीले हैं, अलग अलग दुश्मनी है, अलग अलग दोस्ती है, अलग अलग हिसाब है उनका कि किस तरह का जिहाद और किस तरह की शरिया लगनी चाहिए। तो तालिबान को ये पूरा सिस्टम सेट करने में वक्त लगेगा, अगर कर भी पाता है। पर एक चीज, जैसे अभी आप काबुल अटैक का बता रहे हैं, अगर अभी मेरे सहयोगी जुड़ गए और जानकारी के साथ, मनीष और क्या जानकारी? देखिए, अभी जो शुरुआती जानकारी यही आ रही है कि काबुल एयरपोर्ट के पास में ये ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट किस चीज का है अभी भी क्लियर नहीं है कि क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक है या तालिबानी फोर्सेस ने किसी जगह पर कोई एक्सप्लोसिव रखा होगा, उसको विस्फोट से उड़ाया होगा, या फिर ये कोई आतंकी हमला है, अभी क्लियर नहीं है। लेकिन काबुल के जो सिटी है उसके आसमान में काफी बड़ा एक धुआं उठते देखा जा रहा है, जो लोकल्स वो ये बता रहे हैं। देखा जाए तो अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो अमेरिकन ने ये बात कही थी कि 24 से 36 घंटे, जो यूएस प्रेसिडेंट ने बात कही थी कि काफी क्रूशियल एक बड़ा अटैक हो सकता है। तो ये हो सकता है कि एक कोई फिदायीन हमला किया गया हो, लेकिन अभी सारी तस्वीरें साफ नहीं है क्योंकि अभी मुश्किल से 20 मिनट या 25 मिनट पहले ही ये ब्लास्ट की रिपोर्ट आई है। तो अभी इस बात को लेकर के जांच चल रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ब्लास्ट क्या है। तो थोड़ी देर में ही जो तस्वीरें हैं वो साफ होंगी। विशाल, क्या ये समझ आ रहा है कि ये एयरपोर्ट से कितनी दूरी पर ये इलाका है? देखिए, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। एयरपोर्ट से हो सकता है 1-2 किलोमीटर के एरिया में हो। इसके बाद धमाके के बाद की ये पहली तस्वीर सामने आ गई है। एग्जैक्टली ये जगह कौन सी है, जैसा कि मनीष बता रहे हैं, वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, लेकिन काबुल एयरपोर्ट के आसपास का ये इलाका है। कितनी दूरी पर काबुल एयरपोर्ट से, ये कुछ देर में साफ हो जाएगा। इलाके का नाम ख्वाजा बोगरा बताया जा रहा है, जिस जगह पर धुआं उठता हुआ देखा गया है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, दूर से धुआं उठता हुआ यहां पर आपको नजर आ रहा है। काबुल एयरपोर्ट के पास का इलाका ख्वाजा बोगरा इलाके का नाम है। धुआं उठता आपको नजर आ रहा है। इस तरह के धमाके और हमले की चेतावनी अमेरिका ने पहले ही दे दी थी, कहा था 24 से 36 घंटे के अंदर फिर एक बार अटैक हो सकता है। इससे पहले भी दो धमाके हुए थे। काबुल एयरपोर्ट के गेट के पास धमाका हुआ था, बैरन होटल के पास हुआ था। अमेरिका ने कहा था एक बार फिर इस तरह का अटैक संभव है और वो अटैक होता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये पहली तस्वीर धमाके के बाद की सामने आ गई है। मनीष, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये जो एरिया है, जिस एरिया के हम ख्वाजा एरिया की बात कर रहे हैं, ये एयरपोर्ट के पास है, ऐसा कुछ लोग ये कह रहे हैं। और जो लोकल्स कह रहे हैं कि काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ है, कई लोगों ने अपनी खिड़कियों से, विंडो से देखा है कि काफी दूर, काफी ऊंचा धुआं उठते देखा गया है। तो ये अभी साफ नहीं किया अफगानिस्तान, चाहे तालिबान की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से कोई बयान आया है कि रोबिंदर, जो बात हम कह रहे थे कि ये वो हैं जिन्हें धमाके करने की ट्रेनिंग दी गई है, इन्हें धमाके रोकने की ट्रेनिंग नहीं दी गई, ये पकड़ नहीं पाएंगे, इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा इंटेलिजेंस नहीं है। एक बार फिर से जरा तस्वीरें आ रही हैं। रोबिंदर, आप अपनी बात कीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं धमाके के बाद की। ये तस्वीरें, धुआं उठता हुआ, धुएं का गुबार उठता हुआ दूर से नजर आ रहा है। काबुल एयरपोर्ट के पास का इलाका ख्वाजा बोगरा। एक बार फिर हमला, एक बार फिर से काबुल एयरपोर्ट के पास का ही इलाका निशाने पर, यानी कि जो विदेशी नागरिक इकट्ठा हुए हैं वो टारगेट पर, फौज अमेरिका की टारगेट पर, खुद अफगानिस्तान के नागरिक भी इसमें टारगेट पर हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में बहुत बड़ी संख्या में अफगानी नागरिक भी हैं, विदेशी नागरिक भी हैं, अमेरिका की फौज भी है, उनके कमांडोज भी हैं।
पिछले हमले में भी उनकी मौत हुई, उनकी जान गई। एक बार फिर से काबुल एयरपोर्ट के पास का ये इलाका ख्वाजा बुगरा जहां पर ये धमाका हुआ। धमाके के बाद का ये पहला वीडियो है जो आप देख रहे हैं। धुएं का गुबार दूर से उठता हुआ नजर आ रहा है। सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि जब अमेरिका जैसे ताकतवर देश को जो 20 साल यहां बिताकर गया है उसे पता है कि अटैक कब होना है, अटैक किसने करना है, किस जगह को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद भी दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका क्या इतना बेबस, इतना लाचार है कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, इस अटैक को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सका। सिर्फ इंटेलिजेंस, सिर्फ जानकारी कि अटैक हो सकता है, लेकिन अटैक क्या रुक सकता है, ऐसी कोई कोशिश नहीं। रविंदर सचदेव, ये तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, आपका फर्स्ट कॉमेंट इस पर। हाँ जी हाँ, इसमें मैं बार बार कल से ये या दो तीन दिन से कह रहा हूँ ये बात। देखिए, ये अगर अटैक हुआ, इसमें जाने गई, वो तो एक चीज़ है। दूसरा देखना ये है कि कोई ऐसा अटैक ना हो कि जो रॉकेट आके हवाई पट्टी पे गिरे, जो रनवे होता है ना जैसा प्लेन उड़ते हैं, अगर कोई वैसा अटैक हो गया जो कि रनवे पे आके उसने बम गिरा और गड्ढा कर दिया, तो सारे के सारे हवाई जहाज उड़ने ही बंद हो जाएंगे वहाँ से। फिर जितने लोग हैं, और ये रनवे रिपेयर नहीं हो पाएगा क्योंकि कौन अब इस समय कंस्ट्रक्शन और यू नो पेविंग वगैरह कर पाएगा इस समय रनवे की। तो अगर वैसा कोई अटैक हुआ जिसने रनवे को डैमेज कर दिया, तो अगले दो दिन या तीन दिन जितने भी अमेरिकन प्लेन्स भी जो है वो भी नहीं उड़ पाएंगे, कोई और इवैक्यूएट नहीं हो पाएंगे। तो ये एक नहीं पूरी कहानी की कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दी जाएगी। तो अटैक करने के अलग अलग एंगल भी हो सकते हैं, बट यस यू आर वेरी राइट कि क्या सुपर पावर, क्या इंटेलिजेंस इन्हें। देखिए, एक रीज़न इसमें यह है कि इनके पास जो इंटेलिजेंस होती है, ये सब डिपेंड करते हैं टेक्नोलॉजी पे। अमेरिका कहाँ से इन्फॉर्मेशन लाता है कि अटैक होने जा रहा है अगले 24 घंटे में? ये लोग बेसिकली फोन सर्वेलेंस कर रहे होते हैं। इस समय अफगानिस्तान को कंट्रोल कौन कर रहा है? अगर तालिबान के कंट्रोल में ये नहीं है तो किसके कंट्रोल में ये? इस समय तालिबान नियरेस्ट है जो कि कुछ कंट्रोल कर सकता है, और वो किन शर्तों पे करेगा उसके हालात हमें पता ही है। तो इस समय तभी मैं कह रहा हूं दुनिया पे अपॉर्चुनिटी भी है। देखिए, अभी जैसे पहले मेरे से पैनलिस्ट कह रहे थे कि इनको इकोनॉमिक एड चाहिए होगी, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, कल को लोग वहां भूखे मरने शुरू हो जाएंगे तो तालिबान पे चढ़ बैठेंगे वो लोग। तो दुनिया के पास कुछ लीवरेज भी है, इस लीवरेज को इस्तेमाल करके तालिबान को अगर कुछ थोड़ा सही रास्ते की तरफ, एटलीस्ट कुछ विमेन और बच्चों के लिए किस तरह के रूल्स होंगे, नहीं होंगे, इत्यादि इत्यादि, दुनिया को इंटरवीन करने की अपॉर्चुनिटी है और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यही वक्त है इस समय, अगर दुनिया कुछ शर्तें रखे कि हम तुम्हें यू नो भूखे मरने, इनकी मेडिसिन खत्म हो गई है अस्पतालों में, खबरें आ रही हैं, WHO ने वार्निंग दी है। आप कह रहे हैं दुनिया को इंटरवीन करने की जरूरत है, लेकिन बाकी पैनलिस्ट ये भी कह रहे हैं, विवेक काटजू साहब, कौन आएगा इस समय यहां पर, कौन अपने सोल्जर्स को भेजेगा, कौन इस सिचुएशन को कंट्रोल करेगा? कोई नहीं करे इस वक्त। 31 तक अमरीकी चले जाएंगे और पश्चिम के देशों ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है, वो चलेगा। अब ये अफगानिस्तान तालिबान के हाथ में होगा और अस्थिरता चलेगी। अभी तो वहां पे केंद्रीय हुकूमत भी नहीं बनी है, वो केंद्रीय हुकूमत का क्या स्वरूप होगा ये सब अब देख। तो हमारे क्षेत्र को खास तौर उसमें भारत भी शामिल है, अब ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, एंटिसिपेट करना चाहिए कि अफगानिस्तान में कुछ अरसे तक अस्थिरता रहेगी और हमें ये सावधानी पूरी रखनी चाहिए कि ये अस्थिरता जो है ये हमारे वाहन हमारे देश में प्रवेश है। तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा और उसके साथ साथ जैसे दुनिया राजनय का खेल खेलेगी वही खेल हमें भी खेलना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात विवेक काटजू साहब आपने यहां पर कही। मैं संजय कुलकर्णी से समझना चाहता हूं, जो विवेक काटजू ने कहा अब हमें संभलने की जरूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान में कौन किसे कंट्रोल कर रहा है ये अब समझ के बाहर है। इनके पास आधुनिक हथियार भी हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी भी है, पहले से ज्यादा एडवांस्ड है, हमें अब क्या करना होगा? विशाल, इसमें कोई शक नहीं है, हम लोगों ने अपना देश देखना है, हम लोगों ने यकीन करना है कि इसका स्पिल ओवर भारत के अंदर ना है, वो उसके लिए हम सक्षम है। लेकिन आज की तारीख में जो वहां हो रहा है किसी को भी नहीं मालूम है, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ISIS के
तालिबान, पाकिस्तान की भी खुद कानी नेटवर्क, इतने सारे वहां पे पास स्ट्रगल शुरू है कि अफगानिस्तान को कंट्रोल कौन करेगा और किस तरीके से करेगा, और जिस प्रकार से भी जो भी हो, ये सारे के सारी एक ही माला के मोती है, इसमें किसी को शक नहीं है। चाहे किसी को कैलिफेट चाहिए, किसी को एमिरेट चाहिए, किसी को स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, किसी को मिनरल्स चाहिए, तो ये सब अपनी अपनी निगाह से उस देश को देख रहे हैं। पर मारा कौन जा रहा है? अफगानी मारा जा रहा है, पर अफगानियों को भी काफी हद तक मदद की थी, एम्पावरमेंट किया था, पर अब वो नहीं खड़े हो पाए। वो उनका कारण है, करप्शन हो या कॉम्प्रोमाइज हो या सारे के सारे भगोड़े हो गए, सारे के सारे गद्दार निकले, वो उनकी मर्जी है। लेकिन आज की तारीख में हमने ये सोचना है कि हमारा देश कैसे बचे, हम यकीन कैसे करें कि ये जो तालिबान फाइटर्स हैं, जिस प्रकार से मसूद अजहर जाके बरादार को मिल रहा है, जिस प्रकार से पीओके के अंदर हलचल हो रही है, जिस प्रकार से वहां पे खुशियां मनाई जा रही है, तो ये हमने देखना है कि वो काला झंडा और वो सफेद झंडा, दोनों झंडे कहीं भारत के अंदर नजर रहा है। हिंदुस्तान में भी केरला से लेकर के कश्मीर तक इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। हम लोगों ने यकीन करना है कि हिंदुस्तान बचा रहे, बाकी वहां क्या हो रहा है, जैसे काजी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, वक्त बताएगा। हम लोगों ने सिर्फ वेट एंड वॉच नहीं कर सकते। अभी ये कहना कि उधर जाकर के दखल अंदाजी करो, कैसे करेंगे? कुछ नहीं हो सकता आज की तारीख में। वाकई ऐसी स्थिति है कि इतना करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? हम लोगों ने अपने नागरिक बाहर निकाले, अमेरिकन ट्रुप वहां से निकलने को शुरू हो गए हैं, यूके ने अपना पूरा इवैक्यूएशन खत्म कर दिया, फ्रांस ने कर दिया, स्पेन ने कर दिया, टर्की ने कर दिया। अब जो देश बैठा है चीन, वो ताक में बैठा है, वो अपने पाकिस्तान को जबरदस्ती कर रहा है कि जाकर के अपना, रशिया वेट एंड वॉच में लगा हुआ है, ईरान अब वेट एंड वॉच में लगा हुआ है, पर वहां पे कजाकिस्तान में 1,00,000 रेफ्यूजी जाने के लिए तैयार। ठीक 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 संजय जी, एक और बड़ी खबर जो धमाके से जुड़ी हुई है, अब तक हम समझ नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्ट लोकेशन कहां है, कहां पर धमाका हुआ है। अब खबर आ रही है काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट के पास, काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट के पास यह धमाका हुआ है। जो इलाका है नॉर्थ गेट के पास, वहां पर एक घर और घर में यह धमाका हुआ, घर पर रॉकेट गिरने की खबर है, रॉकेट हमला हुआ। जब पहला हमला हुआ था उस वक्त भी अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि रॉकेट हमले हो सकते हैं, और वैसा होता हुआ इस बार आपको नजर आ रहा है। ये तस्वीर देखिए, काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट के पास का यह इलाका है, एक घर में यह धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि रॉकेट इस घर पर गिरा और उसके बाद धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं धमाके के बाद की। ये काबुल एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट के पास का इलाका है, एक घर जहां पर रॉकेट आकर गिरा, उसके बाद आप धुआं उठता हुआ देख रहे हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।